फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फैशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, आज मैं सादा सलवार बना रही हूँ। 11 ईयर्स बच्चे की है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, उसकी जो लेंथ है सलवार की वो 34 है फ्रेंड्स। तो मैं पहले ही 6 इंची इधर से इस टाइप से निकाल दूंगी फ्रेंड्स, और 34 पे एक मार्क लगा लूंगी। ये देखिए, मैं 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखूंगी। 34 मेरा इधर आता है, 1/2 इंची एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। अब मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँ। मुझे आसन लेना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये मेरा ओपन साइड है, 4 फोल्ड हो रखे हैं, 2 मीटर कपड़ा है। और अब इधर से मैं, ये मेरा ओपन साइड है और ये मेरा फोल्ड साइड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्ड वाला है, वो ओपन वाला है। ओपन वाली साइड में मैं आसन लूंगी फ्रेंड्स। तो आसन मैं 9 पे रखूंगी। ये देखिए, सिंपल बना रही हूँ, इसलिए सिंपल में बच्चे के लिए 9 सही होता है, क्योंकि 1 इंची में स्टिचिंग में चला जाएगा और 7 इंची रेडी हो जाएगा। इधर से फ्रेंड्स मैं 6.5 पे मोरी रखूंगी, जो कि पोंछे, और 2 इंची में एक्स्ट्रा रखूंगी फ्रेंड्स। जो 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा रखा है, उससे मैं फट्टी की हेल्प से इसको मिला लूंगी। ये देखिए इस टाइप से फ्रेंड्स, ये देखिए इस टाइप से आप गोलाई करके मिला देंगे एकदम करेक्ट से। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सलवार की कटिंग इस टाइप से मतलब ड्रॉप हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, कटिंग करूंगी जहां से मैंने निशान लगाया था। अब मैं इसको कट कर लूंगी फ्रेंड्स। इसको हम गोलाई में कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी सलवार कट के रेडी हो गई है। अब मैं बेल्ट के लिए फ्रेंड्स, बच्चे की है इसलिए मैं जितना कपड़ा है उतना ही रख लेती हूँ। ये 19 है फ्रेंड्स, तो 19 रख लेती हूँ। और इधर से मेरा 6 मैंने किया था, तो मैं 2 इंची एक्स्ट्रा रखूँगी, 8 रखूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स 1.5 इंची हमारा फोल्ड नेफे के लिए जाएगा और बाकी मेरा फ्रेंड्स स्टिच उसमें स्टिचिंग के अंदर मतलब दबाव के अंदर जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, अब इसको हम फट्टी से मिला लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बेल्ट हो गई है और ये मेरे पोंछे के लिए कपड़ा बच गया है। तो चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सलवार जो कटिंग की थी मैंने, इसके हम दोनों पोर्शन अलग कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, ये मेरे 2 पीस होते हैं, ये 1 पीस हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दूसरे पार्ट का पीस है। दोनों पार्ट को मिला लें। ये देखिए, अब हम इसको सिल लेंगे। अब उसके अपोजिट साइड दूसरा पीस आता है आसन का, उसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये दूसरा भी मैंने आसन का जो पीस है
वो इस टाइप से आता है, मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स बेल्ट रेडी करेंगे। ये बेल्ट के लिए हमें 1/2 इंची फ्रेंड्स इधर से सिलना है और फिर 1 इंची इधर हमें छोड़ना है और फिर हमें सीधा सिल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस टाइप से सिलना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डबल करेंगे और फिर 1 इंची के करीब छोड़ते हुए फिर से सिलेंगे। अब इसको हम नेल से इस टाइप से दबा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है, ये मेरा किनारी का पीस है। अगर किनारी का पीस नहीं है तो हम इसको फोल्ड करते हैं। अभी मैं फोल्ड नहीं कर रही क्योंकि इसमें धागे निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल के रेडी हो गया है। अब हम आसन के लिए इसको फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए जो हमारा सिला हुआ पीस है उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ये देखिए सिलाई से सिलाई को मिला लेंगे। फिर हम इसको फोल्ड करते जाना है और टॉप टिप लगाते जाना है फ्रेंड। कोई भी ऊपर वाले या नीचे वाले पीस को, किसी भी पीस को एक साइज का रखना है, खींचना नहीं है। ये देखिए ये कितने अच्छे से बन गया है फ्रेंड। वह बनाया था, सिलाई की थी डबल वाली, उसके बैक साइड में इस टाइप से पकड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से पकड़ेंगे और बैक साइड में एक कट लगा लेंगे। फिर हम उस कट को पकड़ेंगे और इधर रखेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। ये देखिए इस टाइप से पकड़ना है और कट लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा प्लेट का मार्क हो गया है फ्रेंड। ये देखिए अब हमें प्लेटें डाल लेनी है। तो उसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने सिलाई की थी उसको हम मशीन के इस तरफ रखेंगे और जो हमने आसन की सिलाई लगाई थी फ्रेंड्स इधर रखेंगे। ये देखिए इस टाइप से ऐसे रखना है फ्रेंड्स। सिलाई के साथ में सिलाई एकदम मैच होनी चाहिए। ये देखिए अब हम 1/2 इंची के करीब सिल लेंगे और उसके बाद प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर हमको इस साइड इस टाइप से प्लेटें डालनी है तो जब हम उस साइड आएंगे। ये फ्रेंड्स मैं प्लेटें डालना स्टार्ट कर ली हूँ। ये देखिए और एक बॉक्स जैसी प्लेट डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अब मैं इस साइड करने वाली बात है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरी अपोजिट साइड में प्लेटें जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी सिलाई रख के रेडी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से लगी है, पूरे में लगा ली है मैंने। अब हम इसके देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोरी के साइज के 2 पट्टी कट कर ली हैं, जो कि इसके ये जो कैनवास है उससे हमें दोनों साइड 1/2 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब मैं इसको इसके ऊपर रख करके सिल ले पाती हूँ। ये देखिए इस टाइप से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे करेंगे और फोल्ड करके एक टॉप टिप लगा लेंगे। ये देखिए
ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर फ्रेंड्स एक पैर की सिलाई करूंगी, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे प्लेन सिलाइयाँ डल गई हैं। अब मैं इसमें जिगजैग करूंगी जिससे कि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर जिगजैग करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। सिंपल पोंचे बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस पर डिजाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस में जो हम पोंचे पे लगाई है सिलाई, ये देखिए अब हम इसी टाइप से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल आसन एकदम करेक्ट आया है। अब हम इसी टाइप से इधर भी सिल लेंगे सेम, और इधर भी मोरी का मोंक लगा लेंगे। 6.5 पे लगाएंगे फ्रेंड्स, उधर भी मैंने 6.5 पे लगाया है, 6.5 पे, तो इधर भी 6.5 पे लगाएंगे। वो एक दूसरे के ऊपर सिलाई करनी होती है रख के। ये देखिए जहाँ से हमने नेफा बनाया था उधर से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इलास्टिक डाल लिए हैं। अब ये दोनों पीस हैं, इनको हमें ऐसे करके इस टाइप से और काफ़ी बार चलानी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काफ़ी बार अच्छे से मजबूती से चलानी है और फिर हम इसको अंदर कर देंगे। फिर में एक सिलाई डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी इलास्टिक लग के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छे से लगी है फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए